परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि रीजनिंग सेक्शन के क्लॉक के टॉपिक से किसी भी एग्जाम, जैसे आपका लोअर पीसीएस हुआ, मंडी परिषद हुआ, उससे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और कैसे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो होता है आप उस क्वेश्चन को कितना टाइम लेते हैं सॉल्व करने में। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कैलेंडर के और क्लॉक के होते हैं, वो बहुत आपके सेकेंडों में हो जाते हैं, तो उसी को कैसे हम ट्रिक से और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे हम देखेंगे। तो आज हम जो शुरू करेंगे वो क्लॉक करेंगे, ठीक। और क्लॉक से जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आपसे जो पूछे जाते हैं, वो बेसिकली तीन टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है मिरर टाइम, मिरर इमेज किसी भी टाइम का, और वाटर इमेज। आपसे बेसिक क्वेश्चन इससे ये उठाता है कि आपको किसी कोई भी टाइम दिया रहेगा और उस टाइम का आपको मिरर, दर्पण प्रतिबिंब और वाटर प्रतिबिंब, मतलब आपका जल प्रतिबिंब निकालना होगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे बनता है इस घड़ी से वो है एंगल डिटरमिनेशन, मतलब आपको मिनट और घंटों के सुइयों के बीच का न्यून कोण निकालना होगा। अगला जो क्वेश्चन बनता है आपका वो होता है टाइम डिटरमिनेशन। इससे बाहर आपसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पुट करेगा एग्जामिनर किसी भी एग्जाम में। सिर्फ आपको ये तीन पॉइंट आना चाहिए, आप घड़ी के कोई भी सवाल किसी भी एग्जाम में पलक झपकते कर लेंगे। अब इसमें टाइम डिटरमिनेशन में आपका क्वेश्चन ये बनता है कि एक इंटरवल दे दिया जाता है आपको और बोला जाता है कि इस इंटरवल के बीच में कब दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, कब दोनों सुइयां संपाती होंगी, कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। चलिए हम सबको बारी बारी से देखेंगे। पहला हम अपना पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो है मिरर इमेज और वाटर इमेज किस तरह से किसी भी क्वेश्चन का निकालते हैं। अगर आपके सामने क्लॉक का कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको जल प्रतिबिंब किसी भी समय का और दर्पण प्रतिबिंब निकालना होगा, तो पहले हम मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब के कुछ सवालों को देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल को कि कैसे निकालें। सपोज करिए आपकी ये घड़ी है जिसपे 3 बज रहे हो। अगर इसका हम मिरर इमेज देखें तो मिरर में हमें जब 3 इसमें बज रहा है तो मिरर में 9 बजेगा, ठीक। तो अगर हम इस मिरर इमेज का एक देखें कि यहां 3 बज रहा है वहां 9 बज रहा है, तो एक कॉन्सेप्ट इसमें बेस बनता है आपका कि अगर मिरर टाइम प्लस आपका जो एक्चुअल टाइम हो रहा है उसको सम करें तो आपका 12 आएगा, ठीक। अब इसमें से आपको जो भी टाइम दिया हो, सपोज करिए आपको मिरर टाइम दिया और एक्चुअल टाइम पूछ रहा है, तो आप 12 में से माइनस करेंगे। एक्चुअल टाइम दिया है, मिरर टाइम पूछ रहा है, सपोज एग्जाम्पल है कि अगर 1:20 हो रहा है तो इसका मिरर इमेज क्या होगा। एक्चुअल टाइम दिया है आपको और मिरर निकालना है, कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मूले पे आपको रखना है। मिरर टाइम आपको निकालना है प्लस एक्चुअल टाइम आपका 1:20 है, टोटल 12 है, तो मिरर के लिए हम क्या करेंगे, 12 में से 1:20 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। अब आप सोचेंगे जनरल जो मैथमेटिक्स का रूल लगाते हैं वो मैथमेटिक्स के रूल से इसको घटाएंगे, तो यहाँ पे 10 ले लेंगे और 10 में से 2 को घटाएंगे, ऐसा रूल नहीं है। यहाँ क्या है, ये हावर है, ये मिनट है। आपको जब इससे आप एक उधार लेंगे तो आपका जो ये बन जाएगा एक फॉर्मूला नया डिराइव होगा वो ये 11 हो जाएगा, और यहाँ 1 घंटा जाएगा तो मिनट क्या हो जाएगा, 60। उसमें से हम 1 और 20 को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0-0 था तो हम 20 को माइनस नहीं कर सकते थे, तो अब यहाँ से हम 1 लेंगे कैरी, जो 60 मिनट होगा, अब इससे माइनस करेंगे तो 6 में से 2 जाएगा 4, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 11, 11 में से 1 जाएगा तो 10, 10 बस के 40 मिनट इसका जो होगा आपका वो क्या आएगा, दर्पण इमेज आएगा, मिरर इमेज आएगा, मिरर टाइम जिसे आप बोलोगे। तो आपको कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको सिर्फ मिरर इमेज निकालना हो तो आप ये सब छोड़िए,
और सिंपल से बात है, आप कोई भी टाइम हो उसको 1160 से माइनस कर दीजिए, 1160 से कोई भी टाइम आपका हो 1160 से माइनस कर दीजिए। ये आपका कोई भी टाइम चाहे कितना भी बड़ा हो वो 1160 से माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसी पे एग्जामिनर आपसे कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दे, आपका जो घुमाया के क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिए आपकी जो घड़ी है, अभी हमारी जो घड़ी होती है वो कितने घंटे की होती है, टोटल 12, टोटल 24 का होता है और 12 तक मैक्सिमम उसका लिमिट होता है। अगर एग्जामिनर ने बोला कि जो घड़ी है वो सिर्फ 10 घंटे की है और उसका एक घंटा 40 मिनट में पूरा होता है, तो ऐसे घड़ी में आप 1:20 का दर्पण प्रतिबिंब बताइए, तो आप क्या करेंगे, तब 1160 आपका काम नहीं आएगा। तब आपको क्यों सोचना है कि घड़ी ये हमारी 12 घंटे की थी तो फॉर्मूला 1160 हुआ है। अगर घड़ी 10 घंटे की है तो क्या होगा, इससे एक माइनस और 40 मिनट में सिर्फ वो एक घंटा पूरा कर लेती है, तो 40 में पूरा कर लेती, तो इसमें जैसे माइनस होगा तो यहाँ 9 और ये 40, क्योंकि ये 40 में एक घंटा उसका पूरा होता है। इसमें से अब 1:20 को माइनस कर दीजिए, आपका जो आएगा वो जल प्रतिबिंब आ जाएगा, ये हो जाएगा 8:20। तो इसी में बस इस टाइप से आपको एग्जामिनर घुमा सकता है कि घड़ी को चाहे वो 4 घंटे की कर दे, चाहे 9 घंटे, चाहे 10 घंटे। ये हो गया मिरर इमेज के बारे में। अगर अब हम बात करें वाटर इमेज के बारे में कि वाटर इमेज को कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, चलिए वाटर इमेज, वाटर इमेज में क्या होता है आपका, आप देखेंगे वाटर इमेज जो बनेगी घड़ी की कुछ ये बनेगा। इसमें आपका जो 3 और 9 की पोजीशन होती है वो चेंज नहीं होती है, बाकी यहां 12 और आपका चेंज हो जाता है। ठीक, जो ये पोजीशन है जैसे आप इसका वाटर इमेज लेंगे 6 और 12 यहाँ हो जाएगा और 3 और 9 की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो बेसिक इसमें अगर हम देखें, इसे क्लॉक एक बनाए, ये 3 है, ठीक। अगर हम आपसे इसमें बोलें आपको वाटर इमेज निकालना है, तो आपके लिए इस घड़ी से वाटर इमेज निकालना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा कि आप मान लीजिए इसमें 3 बज रहा है तब तो आप सीधे बोल सकते हो, अगर यहाँ 3 बज रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, वाटर इमेज 3:30 हो जाएगा। ठीक, अब ये तो बहुत आसानी से निकाल लिया। अगर यही कुछ ऐसा होता 3:10 होता, 3:15 होता, तो उसका कैसे निकालते हैं? उसके लिए वाटर इमेज के लिए एक ट्रिक है जिससे आप सेकेंडों में वाटर इमेज निकाल सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपका जो भी टाइम क्वेश्चन में दिया है, सपोज करिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 4:20 किसी घड़ी में हो रहा है तो उस घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो आपको 3 स्टेप में क्वेश्चन करना है। पहला स्टेप यह है कि जब वो जो आपको टाइम दिया है एग्जामिनर ने जिसका आपको जल प्रतिबिंब पूछा है, उसका पहले उस घड़ी में पोजिशन डिफाइन करिए कि घड़ी की जो सुइयां होंगी वो कहाँ कहाँ होंगी। जैसे घंटे की सुई है वो 4 पे होगी क्योंकि 4 बज रहा है, ये पोजीशन है सुई की, ठीक। और मिनट की सुई 20 मतलब कितने पे होगी, वो भी 4 पे होगी, तभी तो कहेंगे 4:20, ठीक। अगला स्टेप ये है आपका 2, अगर आपका दोनों सुइयों की पोजीशन 6 या 6 से कम होता है, ठीक 6 से कम होता है, 6 से ज्यादा होगा तो दूसरा लग जाता है, जैसे 6 से कम होता है तो उसे हम 6 बनाएंगे, उसमें जोड़ के बनाएंगे, ठीक। तो अब इसे हम जोड़ के अगर 6 बनाएंगे तो क्या जोड़ेंगे कि 6 बन जाएगा, आप देखिए 4 है तो इसमें अगर मैं 2 जोड़ दूं तो ये 6 बन जाएगा, ये भी 4 है इसमें भी 2 जोड़ूं तो ये भी 6 बन जाएगा। और ये जो हमारा आया है ये क्या है, ये घड़ियों की सुइयों की पोजीशन है किस स्थिति पे होगी। सपोज करिए घड़ी ये घंटे पे 2 पे है और मिनट की 2 पे है, तो टाइम क्या कहोगे आप लोग,
2:10, तो इसका वाटर इमेज आपका 2:10 आएगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, घड़ी की पोजीशन देखनी है, जैसे 4:20 तो घंटे की तो आपको पता है 4 पे ही होगी, ये 4 पे है। और अगर आपका एक दिमाग में रखना है कि अगर आपके सुई की जो पोजीशन है, स्थिति है, वो 6 से कम है तो उसे 6 बनाएंगे, तो उसमें 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जो जोड़ेंगे उसको फिर से हम टाइम में लिख लेंगे जो पोजीशन आएगा। अगला जैसे क्वेश्चन आपसे बोला जाए कि 5:50 हो रहा है, इसका जल प्रतिबिंब बताइए। तो अब इसमें जल्दी जल्दी बताइए, अब ये जो है 5, ये घंटा है, और मिनट किस पे होगा, मिनट की सुई 10 पे होगा तभी 5, और घंटे की सुई 5 पे। अब इस पे ये 5 जो है ये 6 से कम है तो इसे 6 बनाएंगे, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ देंगे, और 10 जो है ये 6 से ज्यादा है। तो एक बात और याद रखिए, 6 या 6 से ज्यादा हो, घड़ी की पोजीशन 6 या 6 से ज्यादा हो तो उसको हम 18 बनाएंगे, और 18 बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे, इसमें 8 फटाक दे आप जोड़िए इसे, तो 18 बन गया ये। तो 1:08 जोड़े हैं, तो 8 पे अगर मिनट की सुई होगी तो इसे क्या कहेंगे, 1:40 इसका वाटर इमेज आएगा। ऐसे आपका कोई भी क्वेश्चन हो वाटर इमेज का, किसी भी तो उस पर आप आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे हम बता देखते हैं, क्वेश्चन एक और है, जैसे 12 बज गया हो तब कैसे करोगे आप इसको। अगर आपका 12 बज रहा है तो उस समय क्या होगा, घंटे की सुई भी किस पे होगी, 12 पे, और मिनट की सुई भी 12 पे, ठीक। अब दोनों जब 12 पे है, अब ये दोनों की पोजीशन 12:12 है, और दोनों क्या है 6, मैं बोला था अगर 6 से या 6 से ज्यादा होता है तो दोनों में क्या करेंगे, 18 बनाएंगे, तो कितना ऐड करेंगे, 6, इसमें भी 6। तो अब ये क्या हो जाएगा, अगर 6 पे है तो 6 मतलब घंटे की सुई होगी 6 पे, और मिनट की सुई 6 पे है तो इसे क्या कहेंगे, 6:30। ऐसे आपके जितने भी मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चन है इससे लग जाएंगे। अगले बार वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, जो दूसरी टॉपिक थी वो थी एंगल डिटेल।